देखो बच्चों, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का यूज क्या है, उपयोग क्या है? नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या? रास्ता, या हिंदी में बोलो पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक जो भी रास्ता देखने के लिए। देखो होता क्या है, सबसे पहले तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। जब मैंने तुम लोगों को उपग्रह पढ़ाया था, इधर देखो, जब मैंने उपग्रह पढ़ाया था तो उपग्रह में मैंने कहा था कि देखो दो तरह के हम लोग जीपीएस सिस्टम लगा सकते हैं। एक मैंने बोला था क्षेत्रीय, जिसको तुम लोगों ने बोला था रीजनल, और दूसरा मैंने बोला था वैश्विक, है ना, वैश्विक। यानी ये हो गया तुम लोगों का ग्लोबल। तो दो स्तर के हम लोग जीपीएस लगा सकते हैं, जीपीएस प्रणाली लगा सकते हैं। देखो जब मैंने तुम लोगों को उपग्रह पढ़ाया था तो मैंने उपग्रह में कई तरह की चीजें पढ़ाई थी, याद होगा, दूरी के आधार पर लियो, मियो और जियो पढ़ाया था। स्थिति के आधार पर मैंने क्या पढ़ाया था? ध्रुवी, इंक्लाइन मतलब झुकाव, झुकाव या संक्रमण वाले। और मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? भूस्थैतिक के साथ मैंने इसको कई नाम बोला था, एक और भूतुल्यकालिक भी था, एक जियोस्पेशियल ट्रांसफर ऑर्बिट भी था, तीन यहां मैंने बढ़ाया था। ठीक है, एक चीज सुनना होता है। देखो अगर क्षेत्रीय जीपीएस की बात करें तो यहां पर मैंने तुम लोगों को दो जीपीएस के बारे में पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। एक तो मैं तुमको गगन बताने वाला हूँ, अभी बताऊंगा, और एक आयरन एसएस बताऊंगा। ये दो जो भारत के अपने, ठीक है, भारत के अपने, और वैश्विक स्तर पर भारत का अभी तक कोई है ही नहीं। वैश्विक स्तर पर अभी तक भारत ने एक भी उपग्रह नहीं रखा है, यानी भारत का जो अपना जीपीएस है उसे भारत के एरिया तक ही है कवर करेगा। कैसे करेगा? बाद में बात। यानी अगर हम लोग क्षेत्रीय जीपीएस की बात करें भारत के रिस्पेक्ट में, तो एक बार बताऊं, यहां पर हम भूस्थैतिक लगा के काम चला सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि भारत जो है वो विश्व रेखा के करीब है। तुम लोगों ने चीजें बताया, तुम समझ रहे हो, उपग्रह के ऑर्बिट के समय सारी चीजें बताई। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पे चाहिए तो ये भी याद होगा, कौन सा तरह का उपग्रह लगाएंगे बताओ? बताया था मैंने कि 24 से 36 लगा दो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे कुछ बताया था ना कि ये पृथ्वी है, है ना, ये वाला, ये तो ध्रुवी था, है ना, ये जो था ये क्या था? विश्व रेखा के चारों तरफ था, और इंक्लाइन जो था वो इसके बीच में, ये वाले यही तो इंक्लाइन का ट्रांजिशन है, संक्रमण बोल रहे थे। मैंने क्या बोला था, मान लो 6 रिंग में अगर मैं लगाता हूँ, यानी एक रिंग ये, दूसरा रिंग ये, तीसरा रिंग ये, चौथा रिंग ये, पांचवा रिंग ये, छठवा रिंग, और हर रिंग में अगर 4-4 लगाता हूं तो कितने लगाता हूं? 24। या अगर 6-6 लगा तो कितना लगाता हूं? 46। तो अगर वैश्विक स्तर को देखना है, ठीक है, तो हमको लगाना कौन सा पड़ेगा? इंक्लाइन वाला, यानी ये झुकाव वाला, यानी संक्रमण कक्षा, यानी मियो वाला। दूरी के आधार पर ये किसमें आता है? मियो, यानी मियो का मतलब होता है मध्यम दूरी, यानी संक्रमण कक्षा वाला लगाना। और कितनी संख्या लगानी होती है? 24 से 36 संख्या लगानी होती है, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों को बताया था कि जो भूस्थैतिक होता है वो भूस्थैतिक तो परपेंडिकुलर टू इक्वेटर होता है, और इक्वेटर के साथ साथ होता है। उससे मैंने बोला था कि 60 डिग्री ऊपर तक तो देख लेगा, उत्तर उत्तर तक, और 60 डिग्री दक्षिण तक देख लेगा, 60-70 के ऊपर और नीचे नहीं देख पाएगा, याद आ रहा है? लेकिन फायदा यह है कि जब अगर तुम्हारा जीबीएस होगा, एक उपग्रह यहां है, उसके ठीक पीछे दूसरा है, उसके ठीक पीछे तीसरा है, चौथा यहाँ है। भाई रिंग में 4-4-4 लगा लो, 6 रिंग में 4-4 लगा लो, 24 हो गया, अभी बताया तुमको, है ना। मेरा कहने का मतलब है अगर तुम लोग, यहाँ एक उपग्रह है, जैसे आगे जाता है दूसरा उसी जगह आ जाएगा, तो ध्रुव तो हमेशा देखेगा, मतलब इसी तरह अगर पूरा 24 या 36 लगा लो तो पूरी दुनिया दिखेगी। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। यानी जीपीएस प्रणाली में हम लोग मियो प्रवृत्ति का या संक्रमण वाली प्रवृत्ति का उपग्रह लगाते हैं 24 से 36। अब सुनो क्या होगा, जीपीएस प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, हम कैसे लोकेशन बता देते हैं? पहले तो हमने उपग्रहों को यूज कर लेते हैं, उपग्रह लगाने पड़ते हैं। लोकेशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आभासी कुछ लाइनें जो है वो इस ग्लोब पे बनाई गई, ये लैटिट्यूड अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा जो है ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है, आभासी है, काल्पनिक है, ये रियल नहीं, हमने अपनी पढ़ाई के लिए अपने हिसाब से बनाया है।
कि भारत इतने पर आता है, अमेरिका इतने पर आता है, ऐसा करते ही नहीं करते भाई। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, अक्षांश रेखा को यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग देशांतर रेखा को यूज करेंगे, यानी लैटिट्यूड यूज करेंगे, यानी लॉन्गिट्यूड यूज करेंगे। और ये भी देखेंगे कि यह उपग्रह समुद्र उपग्रह के अनुसार ये जगह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे। भाई जो हम लोग इस क्लास में बैठे, कक्षा में बैठे हैं, वो किसी न किसी ऊंचाई पे बैठे कि नहीं बैठे, बोलो बैठे कि नहीं बैठे, बैठे। अब ये हो सकता है कि तुम सबके लिए ऊंचाई एक ही है, हाँ सब एक ही हाइट पर दो सब लोग हैं, लेकिन किसी का लैटिट्यूड अगर एक है तो पक्का लॉन्गिट्यूड अलग होगा, यानी कुछ ना कुछ तो सबका अलग होगा। यानी लोकेशन देखने के लिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं ना, समुद्र तल से है ना, तल से ऊंचाई की बात करते हैं, यानी हमने कह दिया एल्टीट्यूड। इन तीनों के आधार पर हम लोग देखते हैं कि हम दुनिया में किस जगह हैं। और ये काम कर रहा था 24 से 32 उपग्रह, 36 उपग्रह, जो वैश्विक स्तर का ग्लोबल जीपीएस है, ठीक है। रीजनल जीपीएस भी ऐसी काम करता है, वो अलग बात है कि रीजनल में कुछ अलग तरह के क्या लगाने पड़ते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति वाले उपग्रह अलग कक्षाओं में लगाने पड़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गए? अच्छा, भारत ने ये बोला था, ये न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, कि हम अपने जीपीएस प्रणालियों का प्रयोग कई जगह करेंगे, जैसे कुछ ऐसे प्रक्षेप आस्त्रों में करेंगे, जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ पृथ्वी वन में हम लोगों ने बात की थी, पृथ्वी वन में बोला था, और पृथ्वी टू में बोला था कि हम लोग इसका यूज करेंगे, अग्नि टू में बोला था कि हम लोग जीपीएस का यूज करेंगे, अग्नि टू में यूज करेंगे। अर्जुन का नाम शायद तुमने सुना होगा, भारत का मुख्य टैंक है ये, अर्जुन में करेंगे। और अर्जुन के अलावा बच्चों यहाँ पर गन्स वगैरह में भी बात करते हैं, बंदूकों में भी करेंगे। अब तुम लोग कहोगे सर इसमें तो चलो समझ में आता है कि हम भेजते समय मिसाइलों का लोकेशन वोकेशन देख लेंगे, टारगेट डिसाइड कर लेंगे, पोजीशन के हिसाब से देखकर हम आलू का डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं ऊपर भी। सर गन में क्यों करते? गन में इसलिए करते हैं, मान लो हमारा कोई सैनिक है कहीं जाता है, तुम लोग किसी के शरीर में 3 किलो का जीपीएस लगाओगे, नहीं तुम लोग अपने शरीर में 3 किलो का जीपीएस लगाओगे तो बंदूक अच्छा है भाई। सैनिक कहीं भी होगा हमेशा बंदूक कैरी करेगा, तो जब बंदूक अगर लेकर जाएगा तो हर मोमेंट ऑफ टाइम तो वो सैनिक का लोकेशन बता दोगे कि नहीं बता दोगे? तो यहाँ बोला गया कि गनों में भी लगाएंगे, मतलब इस तरह के इंफॉर्मेशन है जो दिए गए। अब क्या होगा, अब सुनो, ये मैंने तुम लोगों को इंफॉर्मेशन बता दिया। अब देखो दुनिया में जो जीपीएस है, पहले मैं तुमको बताता हूँ, विश्व का पहला जीपीएस जो है ना वो 1970 के दशक में आया, एग्जैक्ट ईयर 72 या 78 उसी को जरूरत नहीं, 1970 के दशक में विश्व का पहला जीपीएस। विश्व के पहले जीपीएस का नाम था बच्चा, वो था तुम लोगों का नव स्टार, अभी इंग्लिश में ही रहेगा, देवनागरी में भी इसको लिखना चाहो तो। नव स्टार का पूरा नाम क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट एवं रेंजिंग, नेविगेशन सैटेलाइट एवं रेंजिंग, RANGING। ये है विश्व का जीपीएस, नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। अब सुनो, ये अमेरिका का है, पहले इसका यूज मिलिट्री सेवा के लिए था, यानी डिफेंस में, बाद में इसको सिविलियन यूज के लिए भी ऐड कर दिया गया, यानी सामान्य नागरिकों के लिए भी, ठीक है, तुम भी अपने रास्ता देखने के लिए लगाने और कामों के लिए कर। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो भारत ने इसी नवस्कार की मदद मांगी थी अमेरिका से, क्योंकि हम लोग नीचे थे, वो लोग पहाड़ी पर ऊपर थे, तो अब ऊपर को हम कैसे देख पाए, लेकिन उनके ऊपर भी जीपीएस होता, वो देखता, अमेरिका ने तुम्हें सुविधा नहीं दी थी। ये कह लो उस दिन हम लोग जगे थे कि हमारे पास अपना जीपीएस भी होना चाहिए, तब उस दिन तुम लोगों ने डिसाइड किया कुछ इसके बारे में, बात समझ आई, कुछ इसके बारे में। अब सुनो, ये है अमेरिका का विश्व का पहला जीपीएस जो मिलिट्री के लिए था, बात इसको और आगे नहीं जाना है। दूसरा एक जीपीएस और है जो वैश्विक स्तर में, कहते हैं ग्लोनॉस। ग्लोनॉस का पूरा नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग, इसको बोलते हैं ग्लोनॉस, ठीक है। अब सुनो, ये रूस का है, ठीक है। अगर अभी बोलूं वैश्विक स्तर के जीपीएस कितने हैं तो तुम लोग कहोगे सिर्फ दो। अब बात होती है क्षेत्रीय स्तर के जीपीएस कौन कौन से हैं, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर के जीपीएस में क्या करते हैं, क्षेत्रीय स्तर के जीपीएस में एक तो चीन का है जिसका नाम है बीडू,
अभी ये क्षेत्रीय है, लेकिन 2020 तक ये क्या हो जाएगा? वैश्विक स्तर का हो जाएगा। 2020 तक ये वैश्विक स्तर का हो जाएगा, और वैश्विक स्तर का होगा तो उसके साथ ही इसका नाम भी बदलकर कंपास हो जाएगा। COMPASS क्या हो जाएगा? कंपास हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका नाम कंपास हो जाएगा। ये क्षेत्रीय है, ये क्षेत्रीय द्वीप, यानी सिर्फ चाइना और अगल बगल पड़े हुए क्षेत्रों को, पूरे विश्व का नहीं, पूरे विश्व को कवर कब तक करेगा? 2020 तक, जो अनुमानित है। अच्छा, बीड़ू के अलावा और सुनो, दूसरा कौन सा जीपीएस है? दूसरा जीपीएस हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं गैलीलियो। गैलीलियो कहां का है? यूरोपियन यूनियन का। ये भी 2020 तक क्या होगा? वैश्विक हो जाएगा, ग्लोबलाइज हो जाएगा, यानी ये भी अभी क्या है? क्षेत्रीय है। ठीक है बच्चों, तो इसके करने के बाद हम लोग करेंगे भारत के जीपीएस। पहले यहां तक।